प्रद्युमन मर्डर केस के नाबालिग आरोपी से सीबीआई पूछताछ कर रही है। सीबीआई आज सुबह करीब 11 बजे नाबालिग आरोपी को सीबीआई हेडक्वार्टर लेकर आई थी। सूत्रों के मुताबिक आरोपी छात्र से रायन स्कूल ले जाकर हत्या वाली जगह पर भी सीबीआई पूछताछ कर सकती है, लेकिन सीबीआई जांच से गुरुग्राम पुलिस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। 8 सितंबर को हत्या के बाद गुरुग्राम पुलिस ने स्कूल के बस कंडक्टर को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने इसके उलट हत्या के आरोप में 11वीं के छात्र को पकड़ा है। अब सवाल यह है कि क्या गुरुग्राम पुलिस ने आनंद फानन में बिना सबूतों के ही बस कंडक्टर अशोक को गिरफ्तार कर लिया था। सवाल इसलिए क्योंकि अगर सीबीआई की जांच को सही माने तो बिना गलती के पिछले 2 महीने से अशोक जेल में है। गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि अभी तक किसी को भी मुख्य आरोपी नहीं बनाया था, उनकी जांच तो जारी थी और बीच में ही इसे सीबीआई के हवाले कर दिया गया। मैं ये जब तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन या किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं होती, देयर इज नो फाइनैलिटी इन दैट, ठीक है। और जब तक हमने फाइनैलिटी अचीव नहीं की है तो रोल्स किसी को जब तक चार्जशीट नहीं फाइल की है, 173 रिपोर्ट की रिपोर्ट नहीं फाइल की है, तब तक बिल्कुल फिक्स रोल एट्रीब्यूशन ठीक नहीं है। एंड इट इज ओनली लाइक आई सेड ऑन एन अर्लियर ओकेजन ऑल्सो, पुलिस और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी स्पीक थ्रू देयर रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 CRPC। वी हैड कैरिड आउट इन्वेस्टिगेशन एट अ वेरी अर्ली स्टेज एंड देन वी हैंडेड ओवर इन्वेस्टिगेशन टू द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, विच आई एम मोर देन होपफुल दैट विल डू अ वेरी प्रोफेशनल एंड एक्सपेडिशियस जॉब एंड ब्रिंग द कल्प्रिट्स टू बुक एंड ब्रिंग जस्टिस टू द फैमिली। गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि हमने शुरुआती जांच की थी और उस समय मिले सबूतों के आधार पर बस कंडक्टर को गिरफ्तार किया गया था। वहीं कल हरियाणा के डीजीपी से जब अशोक की गिरफ्तारी को लेकर सवाल पूछे गए तो डीजीपी ने भी बहुत ही फॉर्मल तरीके से कहा कोई बात नहीं। एक और उन्होंने सीबीआई ने किसी और एक लड़के को गिरफ्तार किया, उससे भी पूछताछ जारी है, वो जैसे भी होगा वो सीबीआई कर रही है, जो उसके जो कार्रवाई है वो सीबीआई के द्वारा होगी। सर क्योंकि सर कंडक्टर बस कंडक्टर को गिरफ्तार, कोई बात नहीं, वो अब क्योंकि अब वो केस सीबीआई के पास है, वो सीबीआई वाले क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्या चालान करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। हमने किसी का रोल फ्रीज नहीं किया था, इसीलिए उसके बारे में कुछ भी कहना, क्योंकि मेरे को नहीं पता क्या डेवलपमेंट्स हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के सामने कुछ डेवलपमेंट्स हुई होंगी एंड आई एम श्योर के वो उसी के बेसिस पे कर रहे होंगे आगे फर्दर प्रोसीड। हमने कंक्लूड नहीं किया था, हमने स्पेसिफिक किसी का रोल एट्रीब्यूशन नहीं किया। अब देखिए सवाल ये है कि एक ही एक केस है और दो अलग अलग इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज अगर जांच करती हैं तो उसके दो बिल्कुल अलग नतीजे। अब ऐसे में तो यही हो सकता है कि गुरुग्राम पुलिस ने या तो किसी दबाव में काम किया या फिर बहुत जल्दबाजी में उन्होंने ये फैसला कर लिया।